मंदिर दीदा पूजा करने खा गए ना चक्कर। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे हवाइयां उड़ गई तुम लोगों के चेहरे पे। अरे मैं नहीं गई थी मंदिर, वो तो मीरा गई थी और मैं उसकी थाली उठा के ले आई। इतनी बड़ी हेरा फेरी? अरे भाई अब नाटक रियल होना चाहिए ना, और फिर तुम लोगों के चेहरे से ये हवाइयां कहाँ देखने को मिलती मुझे। चलो चलो शौक से बाहर निकलो और नाश्ता लगाओ। दीदा आप ना ये डार्लिंग दीदा से ना मेरी डेंजरस दीदा बनती जा रही हो। हां ये क्या प्रैंक प्रैंक सुबह सुबह। अरे अरे मैं जाता हूं। अरे तू बैठ जा। अरे देख ले हैव योर ब्रेकफास्ट सिट डाउन, मैं हूं ना देखने के लिए। ओके मम्मी। अच्छा मैं बताना भूल गई थी कल प्राची का फोन आया था। क्या बोला? कहीं नहीं जाएगा रणबीर। बीजी मैं बात कर रहा हूं ना। हां तो जैसे तेरी बात समझेंगे वो। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपसे कोई गलती हुई है इंस्पेक्टर साहब। मैं गलती हमसे नहीं हुई है, कंप्लेनेंट के खिलाफ चलना तो पड़ेगा। चलिए। अरे क्या चले, कहाँ जा रहा है तू, पागल हो गया क्या? बेटा अगर कोई एक्सीडेंट होता या फिर कोई मारपीट का केस होता तो ठीक है मैं समझता, लेकिन चोरी के लिए तू काम डाउन। मेरी बात सुनिए, कंप्लेंट रजिस्टर हुई है ना, तो उनको भी तो ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। और अगर मैं इनोसेंट रहा तो मैं वापस आ जाऊंगा, आई विल कम बैक। मुझे बताइए कि ये केस किसने किया है? कंपनी की तरफ से, और कंपनी का नाम है पैसे कहाँ है? बैग पूरा खाली है। मैं मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और सारी डिटेल्स पुलिस को दे देना, उसमें कंपनी का मालिक भी हो तो घबराना मत, चोर को सजा मिलनी चाहिए। समझ गई क्या करना है? ओके मैम। और अपना फोन ऑफ कर देना। थोना रणबीर से हाँ कभी नहीं बदलोगी? मैं कभी नहीं बदलूंगी, दैट्स राइट प्राची, लेकिन मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, समझी तुम? और जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका मुझे साफ साफ जवाब दो। तुमने रणबीर से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसे अपनी ही कंपनी से पैसे चोरी करने पड़े? क्या रणबीर ने चोरी की? प्लीज डोंट स्टार्ट योर एक्टिंग, ओके? और ये मत बोलना कि मुझे कुछ नहीं पता है करके, ठीक है? नहीं मुझे सच में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि रणबीर कोई गलत काम नहीं करेगा और चोरी तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसने की है, उसने वो 10 लाख रुपए चोरी किए हैं प्राची। और मुझे एक बात बताओ, वो 10 लाख रुपए उसके पास कहाँ से है? उसने अपने घर वालों को वो 10 लाख रुपए क्यों दिए? ताकि तुम पर ब्लेम ना आए, जानती हो ना तुम? उसने चोर को पकड़ा था। उसने कोई चोर वोर नहीं पकड़ा था। ये तुमसे किसने कहा? आई न्यू इट, ये भी तुम्हें नहीं पता है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है प्राची। आई नो एवरी कॉन्टैक्ट थिंग। ये तुम्हारा प्लान है? तुमने पहले वो पैसे चोरी कर लिए, अपने पास रख लिए, फिर रणबीर के पास गई, फिर रणबीर मेरे पास से वो पैसे चोरी हो गए, फिर बस वो पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी? फिर रणबीर ने इमोशनल फूल बनके अपने ही कंपनी से वो पैसे चोरी कर लिए ताकि तुम्हारे ऊपर से ब्लेम हट जाए और तुम्हें क्लीन चिट मिल जाए, है ना? दिस इज योर प्लान राइट? मैं से बिना सोचे समझे मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकती। अरे तुम्हारे ऊपर तो बिना सोचे समझे ही ब्लेम लगाना चाहिए। तुम्हें काम क्यों नहीं करती प्राची? तुम ये सारा सामान बांध के वापस होशियारपुर के लिए चली जाती, क्योंकि तुम यहाँ रहती हो ना, तुम सब कुछ बर्बाद कर देती हो। यू जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग दैट यू टच, एवरीथिंग। चोर है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि प्रज्ञा चोर की माँ है। बहुत बड़ा हिसाब पूरा करना है प्रज्ञा तुम्हारे साथ। तुम्हारे नाम के आगे चोर का टैग ना लगा दिया तो मेरा नाम भी आ लिया नहीं। पूजी, आप यहाँ आराम से बैठी हुई है, आपको पता भी हुआ क्या है? क्या हुआ? रणबीर अरेस्ट हुआ है, वो भी अपने ही कंपनी के पैसे चोरी करने की वजह से। वहाँ घर पे सब लोग परेशान है और आप यहाँ पे अभी आराम से चिल कर रही है और किसी का फोन भी नहीं उठा रही है। गेम चल रही है स्वीटहार्ट। आप अपनी चाल चलने के बाद कंपटीटर्स पे नजर रखते हो ना कि आगे वो क्या करेंगे? भी रिग्रेट करूंगी बात को। पता नहीं कौन कहता है कि किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो अच्छा होता है। वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो झूठ होता है। अभी बोल को सच नहीं बदल सकता, झूठ से और झूठ बाहर निकलते। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, जो मेरे लिए किया है ना किसी के लिए मत करना, क्योंकि जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होंगी सब तो होंगे ना, बाकी सब तो होंगे, तुम्हारी फैमिली होंगी, किसी के लिए ये मत करना। बहुत से मैंने तो माया के रिलेशनशिप से ऐसे निकल सकते हो ना, दैट्स नॉट अ बिग डील। द थिंग इज
वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगी, ओके? यू नो दैट? उसके लिए ना उसकी फैमिली, उसके संस्कार, उसके खुद के बनाए हुए पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन सब उसके है. शी थिंक्स अबाउट हरसेल्फ. वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है. लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ. आई केयर फॉर यू. एंड प्लीज हाँ, किसी की हेल्प करने के लिए तुम इतना ईमो मत हो जाना, ओके? किसी की हेल्प करनी हो, टॉक टू मी एंड कम टू मी. कैन हेल्प यू. आई विल टेल यू कि किसकी कैसे किस लेवल तक हेल्प करनी चाहिए. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? टीम फुटेज भी सबमिट कराई थी. वो कंपनी का मालिक है तो वो तो होगा ही ना वीडियोस में. देखिए आप, वर्षा ने कंप्लेन की थी ना, तो वो हमारी एम्प्लॉय है. हम उसके बिहाफ पे ये कंप्लेन वापस लेते. ओके, ऐसा नहीं होता. कंप्लेन करने वाले को आना होता है. अरे क्या मजाक कर रहे हैं सर, दिन भर में कितने चोरी के केस यहाँ दर्ज होते हैं, कितनों को तो आप वार्निंग देके छोड़ देते हैं. हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे बेटे को भी छोड़ दीजिए ऐसे. प्लीज, आपका बेटा कोई सड़क छाप चोर नहीं है. मीडिया की नजर है इस केस पर. मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकता. फुल इन्वेस्टिगेशन होगी. अगर आपको कंप्लेन वापस लेनी है तो वर्षा को लेकर आइए. कह रहे हैं आपसे वो, शी इज नॉट रीच, जस्ट इम्पॉसिबल. हाँ बोलो आलिया. यू नो उसका फोन बंद है. बट डोंट वरी, इंस्पेक्टर से कहो कि रणबीर कंपनी के मालिक का बेटा है, वो अपनी कंपनी से चोरी क्यों करेगा. पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि केस आउट ऑफ हैंड हो गया है. फुल इन्वेस्टिगेशन होगी. वर्षा को ले आना, दैट्स आवर ओनली चांस. प्लीज प्लीज आलिया, तुम कहीं से भी ढूंढ कर वर्षा को यहाँ ले आओ. वर्षा ही ये कंप्लेन वापस ले सकती है. ऑफ कोर्स पल्लवी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वर्षा को ढूंढने की. डोंट वरी, बहुत जल्द वो मेरे सामने होगी. ऑलराइट, टेक केयर. या प्लीज, एक एडवाइस है आपके लिए. जी जी बोलिए. या तो वर्षा को ले आइए या चलो यार. तेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और खुद पुलिस स्टेशन चला गया. सच में इतना अच्छा, इतना सज्जन लड़का मैंने कभी नहीं देखा. हाँ, कितना भोला है वो. तेरी हर परेशानी अपने सर पे ले लेता है वो. तेरा अच्छा दोस्त है ना, बहुत नसीब वाली है कि ऐसा दोस्त तुझे मिला. लगता है रणबीर की माँ से बात करनी पड़ेगी. अच्छा सोच, अगर उसने तुझे प्रपोज किया. नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मान ले कि अगर वो तुझे प्रपोज करता है तब तो क्या बोलेगी, कि वो लड़की किस्मत वाली है या ज्यादा किस्मत वाली है. मुझे ना पता था तेरे दिमाग में ना यही सब चलता रहता है, तो एक ही जगह पे आ जाती है. मुझे बात मत कर, मुझे सोने दे. मेरे दिमाग के छोड़, अपने दिल में झांक के बता कि तेरे दिल में क्या चल रहा है. शाना, तूने मुंह बनने किया ना तो सरिता आंटी से कह दूंगी तूने 5 फाफड़े खाए थे. अच्छी जाओ तो सो जा. गुड नाइट. गुड नाइट. सो जा. कुछ समझ में नहीं आएगा, कभी ऐसी रोती रही. सो जा. सब तुम इतनी अच्छी हो, मैं नहीं देख सकता हूँ किसी और की आंखों में तुम्हें खराब. सुन, सॉरी बोल दूंगी, पर उससे पहले उसकी फैमिली से मिलूंगी. उन्हें बताऊंगी कि उसने ये सब मेरे लिए किया. पैसे अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे रेपुटेशन के लिए चुराए. रणबीर अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का. में लाखों रुपए ऐसे पड़े होते लेकिन कभी बिना पूछे एक पैसा नहीं छुआ उसने. इस बार कैसे कर लिया कुछ. अरे वो पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कहती हूँ वो खुद ही चोर लग रहा था. अरे बीजी कैसी बातें कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है चोरी की पुलिस के पास. विक्रम अंकल, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद रणबीर ना पुलिस कस्टडी से बाहर आ जाएगा. आई मीन मेरे पास रीजन है जिसकी वजह से रणबीर ने वो 10 लाख रुपए ऑफिस से चोरी किए. व्हाट, आप बताओ क्यों चुराए. प्राची के लिए. एक्चुअली वो क्या हुआ ना, मैं रणबीर से मिलने गई थी, बट रणबीर और प्राची आपस में बात कर रहे थे. उन दोनों ने जो भी बात की ना, प्राची पर डाउट तो जाता है ना. आप बताइए कहां से लाती वो 10 लाख रुपए. और 10 लाख रुपए की बात तो जाने दो, कि प्राची रणबीर के लिए मनहूस है.
पल्लवी तुम फिर शुरू हो गई। अरे क्यों ऐसा बोल रही हो तुम? तो और क्या करूं मैं, जिस लड़की ने मेरे बेटे को चोरी करना सिखाया, और क्या सोचूं उसके बारे में, और क्या गलत कहा मैंने बताइए। जिंदगी भर आपने रणबीर को गलत लोगों से दूर रखा है ना, तो अब मैं भी चाहती हूँ कि रणबीर प्राची से दूर रहे। I'm sorry. थैंक यू बेटा। आंटी कम ऑन, प्लीज डोंट से थैंक्स। तो चले फिर पुलिस स्टेशन, वर्षा अपनी कंप्लेंट वापस ले सकती है और रणबीर को घर लेकर आते हैं हम लोग। चलो चलिए 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 बुझ, बी केयरफुल। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है हमारे साथ, हमारे बेटे के साथ। अरे मम्मी मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, मुस्कुराओ ना, कम ऑन। नहीं नहीं हो गया, मैं जा रहा हूँ। रणबीर रो रही है बाबा। हंसी आ रही है तुझे? हाँ, मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ यहाँ पे, तू तो बहुत बदमाश हो गया है। हाँ वैसे बदमाश तो मैं हो गया हूँ, क्योंकि बदमाश हो गए तो पुलिस स्टेशन में आना जाना रहता है। क्यों वो तो भला उस सेक्रेटरी वर्षा का, जिसकी टांग टूटी हुई है फिर भी वो यहाँ आई कंप्लेन वापस लेने के लिए। मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर स्वीट रिया, उसे थैंक्स बोलो। थैंक यू सो मच रिया। डोंट बी, एक्चुअली तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा चले यहाँ से, हर दो दिन में यहाँ आना पड़ता है, आई एम फेड अप, लेट्स जस्ट गो रिया, चलो। या मी टू, जल्दी चलते हैं, बहुत गर्मी है। चलो घर पे बहुत बातें करनी है, चलो जल्दी। शायद प्राची को पता ही नहीं है कि मैं फ्री हो गया हूँ, या फिर अभी भी गुस्सा है मुझसे। उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा जब उसे मैं इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। यो, क्या हूं मैं? रणबीर वर्मा। थैंक गॉड यार तू वापस आ गया, तेको पता मैं कितना डर गया था? डर गया था तू? हां मैं तो डर ही गई थी सिर्फ तेरे लिए। पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई यार, जब पैसे हमारे ही थे तो तूने सरेंडर क्यों किया? अबे अपने ही तो पैसे चुराए थे ना। स्कियो मेरियो, चोरी तो चोरी होती है। मेरे लिए नहीं होती है, इसी के लिए तो गलत है ना। अब तेरी मम्मी की सेक्रेटरी ने मेरी कंप्लेंट कर दी, और उसको थोड़ी पता है कि मैं कंपनी के बॉस का बेटा हूँ, उसको तो लगा पता नहीं कौन चोरी कर रहा है, और उसके हिसाब से वो ठीक कर रही थी। आई थिंक शी वाज जस्ट डूइंग हर ड्यूटी। लेकिन अब क्या करेंगे, घूम फिर के मुद्दा तो वहीं आ गया, प्राची के ऊपर अभी भी ब्लेम है। मेरी गलती है, मुझे ही लगा था फिल्म इसलिए नहीं साइन कर रही क्योंकि वो मिस्टर मेहरा की बहन ने कुछ कहा। मैं सिर्फ इसलिए साइन कर रही हूँ ताकि आपकी इन्वेस्टिगेशन ना रुके। सॉरी मां, मेरी वजह से आप। प्राची तू साइन कर। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। रखिए आप, तू चिंता मत कर, उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया, अब हमें जो सही लगेगा हम करेंगे। और मैंने अभी को वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्राची पे शक नहीं करूंगा। I'm sorry क्यों मन? अब तुम्हारी माँ को तो तुम जानते हो ना, मैं उनकी बातों में आ जाता हूँ बेटा, यूं जैसे वो भौरा फूल के पीछे बूम करके। तो तुम्हारी माँ क्या है ना, वो कभी कभी क्या है ना, वो अपने दिमाग से ओवर टाइम काम करवा लेती है और दिल पे इतना दिल आ जाता है कि उसको छुट्टियों पे भेज देती। क्या बोल रहा? मतलब दिमाग से ज्यादा काम लेती है ना वो, इसलिए ऐसा वो छोड़ा, वो सब छोड़ो, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन का क्या है? मैं कोई मदद कर सकता हूँ? क्या हाल है बताओ मुझे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कोई फायदा नहीं है। दे देती लेकिन अपनी माँ प्रज्ञा जैसी बहन जी हो जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, और मेरी रिया को कितना परेशान किया है तुमने। सॉरी रणबीर सिर्फ और सिर्फ मेरी रिया का है, और अगर तुम्हारी माँ प्रज्ञा ये सोच रही है कि वो तुम्हें और रणबीर को एक करेगी
तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर उसे तुम्हारी थोड़ी सी भी परवाह होगी ना, तो वो तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाएगी। अदरवाइज आई विल मेक योर लाइफ हेल। मुझे तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना, जो मेरे लिए परेशान हो। उन बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग कौन? मेरा सर विक्रम सर। रणबीर। रणबीर देख, उसने ना चोरी करके गलत किया। आई नो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये भी तो सोचना, उसने ये सब किसके लिए किया? मेरे लिए। मेरे लिए वो इस हद तक गया, इतना बड़ा रिस्क, और मैंने क्या किया? पता नहीं कैसे बात की उससे, क्या क्या बोल के गुस्से में, उसे कितना बुरा लगा होगा। तुझे पता है पुलिस स्टेशन से घर जाते वक्त उसने मुझे फोन भी नहीं किया। क्या कॉल करता यार उसको? क्या कॉल करता मतलब? अबे यार प्राची को खुशी होगी ना अगर उसे पता चलेगा कि तू वापस घर आ गया। बट मैं एक्चुअली तबीयत खराब लग रही है तो इसलिए मैं जा नहीं सकता। रियली क्या हुआ? पता नहीं, आई डोंट फील सो गुड, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा आज। जेल वगैरह सब कुछ ओके, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, हम दो तीन दिन बाद चले जाएंगे रॉक क्लाइंबिंग के लिए। अब तुम अभी रेस्ट करो। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। मैं क्या, उसका फोन आएगा ना? किसका फोन आएगा? हाँ तो उससे बात करिए ना, चल। अरे सपोर्ट करूंगा। अबे रन की कोई जरूरत नहीं, उसे रेस्ट की जरूरत। चलो बाहर निकलो। रणबीर यू टेक गुड केयर एंड स्लीप वेल। थैंक्स रिया। तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने गलत काम किया। जॉन का कॉल आया क्या? कौन जॉन? अरे जॉन वो, अरे चीफ आप कल इवेंट में जा रहे हो, आर्यन बता रहा है मुझे। हाँ, मैं जा रहा हूँ। वो तूने ही तो मुझे नंबर दिया था, वो डिटेक्टिव प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कौन है? वो वही, वो बहुत प्रोफेशनल आदमी है वो, मतलब जिस नंबर से फोन आएगा ना उसको वापस फोन करेगा, तेरे डिटेल लिए ना उसने, करेगा तेरे को फोन। क्या कमाल का ट्यूबलाइट सर, क्या प्रॉब्लम क्या है? जा रहा हूँ ना, इवेंट है, मैं जाऊँगा, स्टेज पर ही रहूँगा। सरप्राइज क्यों रहता है? सरप्राइज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आप स्टेज पर रहोगे, आपके साथ प्राची भी स्टेज पर रहेगी, आप दोनों ऊपर रहोगे, मैं नीचे अकेले कैसे करूंगा? अरे तो रहेगी ना मेरे साथ स्टेज पर, काम रहेगा तो स्टेज पर रहेगी। क्या जॉन का? अरे हेलो, दोनों का पता चला है, एक का नाम है संतोष। बाबा सही एड्रेस पे तो आए हैं ना? बेटा मैं तो यहाँ रोज आता नहीं हूँ ना ये लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे कैसे पता होगा? हाँ इतना कर सकता हूँ, अगर वो मिलेंगे तो उनसे पूछ लूंगा कि भाई हम सही जगह पे आए ना। कैसे पूछ बातें कर रहा है तू यार? यार पापा आपसे ना पूछना ही बेकार, समझते ही नहीं हो मेरी बात। चीफ समझते मेरी बात? चीफ कहाँ रह गए? ओ इधर पिकनिक पे आया तू? चीफ को बुला रहा अंताक्षरी खेलने के लिए। अरे अंताक्षरी खेलने आया कि चोर पकड़ने आया? गाइस यार अगर हम लोग ऐसे नमाज आ रहा है तेरे को, हैंडल तो मैं भी कर लूंगा ब्रो, आफ्टर ऑल आई एम अ ब्लैक बेल्ट। तुझे कब मिली ब्लैक बेल्ट? वीडियो गेम में कल ही जीती है, ब्रांड न्यू है। मुझे तो डाउट है यार। डाउट है? डाउट है? डाउट है तो ये लो अभी दिखाता हूँ। क्या ये, क्या ये, क्या ये? अरे बेटा तेरी बेल्ट पे डाउट नहीं है, मुझे डाउट है कि यहाँ पे कोई चोर उचक्के होंगे। अरे होती तो कुछ चहल पहल तो होती ना, यहाँ तो कुछ नहीं। भाग भाग जल्दी जल्दी भाग। अरे कितनी बार जेल गए यार? अरे तू पागल वागल हो गया, तुझे क्या लगता है मेरे एक से मरेगा नहीं? ये प्रोफेशनल लोग है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। देख तो सही जरा, देख एक सेकंड, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ये दोनों
हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैं चेक करता हूँ, मैं चेक कर, चेक कर, तू तू खड़ा क्या है, तू भी चेक कर। मैं नहीं करने वाला चेक, अगर ये चेक करते करते उड़ गया तो हेडबेल्ट है, ब्रूस ली है तू। वीडियो गेम्स में, वीडियो गेम सीरियसली कौन लेता है? अबे विक्रम यार तू क्यों बच्चे की जान ले रहा, खुद चेक कर लेना है। बच्चा चीफ एम एन अडल्ट ना हो, पूरा दिन वीडियो गेम खेलते रहता, अडल्ट की बात करे, तू चेक कर ले, मुझे काम है, मैं सिर्फ फोन करके आया। मर गए, अबे ये दोनों मर गए, सब कुछ फोन पे सुनेगा क्या? हेलो प्राची, तुम घर आ सकती हो क्या? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। घर? अभी क्या सरप्राइज है? एक्चुअली दो सरप्राइज है, तुम घर पर आओ तभी बताता हूँ। जी जी ओके। क्या हुआ? हमें मेहरा सर ने घर बुलाया विक्रम सर के। चल क्यों? पता नहीं, कह रहे कोई सरप्राइज है, कोई काम है, आई डोंट नो। पर प्राची मासी तो घर पे नहीं है और वो तो फोन भी नहीं लेकर गई है, उनको बताएंगे कैसे कि हम जा रहे हैं? एक काम करते हैं, नोट लिख लेते हैं, वो पढ़ लेंगे, ठीक है? मैं हाँ। मैं पेपर लेके आती हूं। ये प्राची के लिए सरप्राइज था, हीरे ने बोल सकते क्या? ये हीरे नहीं, जरूरत नहीं यार, बट हाँ आर्यन ये उड़ते ना भागने की कोशिश करेंगे, रस्सी ले आ ताकि हम बांध लें इन दोनों को। मैं रस्सी लेकर आती हूँ ना, आई विल गेट द रोप। ये को पता नहीं है रस्सी कहाँ है, मैं उसकी हेल्प करके आती हूँ, आई विल जस्ट गेट द रोप। सुन रणबीर, वो पानी का इंतजाम करना, पहले इसे रस्सी से बांधेंगे, उसके बाद होश में लेंगे। हाँ वो रेडी है चीफ। अरे रुक क्यों गए? हाँ अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, अरे प्रूफ बना रहेगा ना। मुझे कैसे स्ट्रेस ना लगे, आपको पता है उसमें से एक आदमी वही है जो संजू के साथ उस दिन पैसे देने के लिए था, दूसरे आदमी का मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे आदमी को मैं जानती हूँ, वो भी संजू का ही आदमी है। What? मतलब दोनों आदमी संजू के साथ? नो 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 नो, मुझे हम पकड़े जाएंगे, फील कॉट, वो हमारा नाम ले लेंगे। हम पकड़े नहीं जाएंगे रिया, जस्ट रिलैक्स, इतना नर्वस दिखोगी तो नहीं भी होना होना तो जरूर शक हो जाएगा। यू नीड टू रिलैक्स एंड ब्रीथ। ओके मैं कुछ करती हूँ। ओके एंड डोंट वरी, मैं प्राची को इसमें से बाहर नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऑलराइट ओके ओके ओके, कम डाउन कम डाउन कम डाउन। अरे मुझे रस्सी, रस्सी नहीं ली आपने? बोला तुझे, किसने बोला तुझे चुराने के लिए? मुझे पता है तेरा बॉस है, तूने गोडाउन में कहा था ना कि बॉस पकड़ लेंगे तो मार देंगे जान से। कौन है वो बॉस? अरे रणबीर कौन है? अरे एक सेकंड, कौन है वो बॉस बता। नहीं है तू, देख तुझसे आखिरी बार प्यार से पूछ रहा हूं मैं, किसके कहने पे किया? किसी के कहने पे नहीं किया, तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। तेरा रिकॉर्ड कन्फेस करेगा? बोल कौन? वो ये सब किसी अपने के लिए करवा रही थी हमसे। हम दोनों को बाद में पता चला ये सब। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, नाम बता उसका, बता उसका नाम। मैं क्या करता? ये क्या किया आपने बूजी? थप्पड़ मार दिया? ओह गॉड बीब, ये गुस्से में आके हम दोनों का नाम ना ले ले। गॉड इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इस इडियट ने गुस्से में हमारा राज खोल दिया था। सुन बकवास मत कर, टाइम नहीं किसी के पास, चुपचाप सच सच बता किसके कहने पे तू नहीं सब किया। जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक तू प्राची इनोसेंट प्रूव नहीं होगी। बोलता है कि मैं, हमने ये सब कुछ इसके कहने पे किया, ये हमें कमीशन भी देने वाली थी, सेट किया था इस प्राची ने। थैंक यू थैंक यू। वो सब बाद में, अगर तुमने कहा कि चोरी करने के लिए प्राची ने कहा है तो मैं बाद में तुम्हें 2,00,000 रुपए दूंगी, समझ गए? प्राची ने? I don't believe this. झूठ बोल रही है। झूठ बोलता है, बकवास कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है तू ये सब? लेना सारे पैसे, वही प्लान था ना तुम्हारा? ये बिल्कुल झूठ है, I swear, मैंने चोरी नहीं की। I know, तुमने चोरी नहीं की। क्योंकि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो मेरी माँ टूट जाएंगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो बेचारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी सर। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं रिजाइन कर दूं, मैं वही करने वाली थी, पर आपने फोन करके बुलाया इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
सो प्लीज इनकी बातों में बताइए, कल आएंगे सर। बात जब औकात से बाहर निकल जाए ना तो बात रियल नहीं लगती प्राची। तुम क्या कंपनी से रिजाइन करोगी? मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकालती हूँ अभी इसी वक्त। यू आर फायर। देखता हूँ पर इस बार देखता नहीं हूँ, इन दोनों की क्लास लगाता हूँ अच्छे से। आ रहा हूँ। मरोगे दोनों के दोनों भगवान कसम। आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्राची चोर नहीं है? आपकी कोई जानने वाली, आई मीन प्राची आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं लगती है, हमारे ऑफिस की एम्प्लॉई है बस। रिया तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो प्लीज। रिया बोलने दो रणबीर को। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो सवाल पूछना है मुझसे पूछिए प्लीज, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। इंस्पेक्टर को अपना काम करने दो। रणबीर जाओ अपने कमरे में जाओ। मम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये ऐसी लड़की नहीं है, she's a nice girl, all right? गलत फहमी? कैसी गलत फहमी भाई, हम सबके सामने सच है, उन दोनों ने हम सबके सामने कन्फेस किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उन दोनों ने ये कन्फेस किया है कि चोरी करने के लिए प्राची ने ही कहा था। आर्यन मोबाइल देना। रणबीर लेट हर गो, रणबीर लेट हर गो। मेरा आप अपनी सिस्टर से बात कीजिए, अगर सबकी सहमति हो तो हम आपकी बेटी को छोड़ सकते हैं। प्राची भाई की बेटी नहीं है। मेरा दिल जब तक प्रूव नहीं करेगा ना अपने आप को कि वो कल्प्रिट है तो मेरा दिल नहीं मानेगा, और फिलहाल मेरा दिल में ही नहीं मान रहा था चीज़ अ थीफ। व्हाट कैन आई डू? अरे यार अब क्या, पर एक बात तो प्रूव हो गई ना अभी, एक बात तो प्रूव हो गई कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आस्क मी हाउ। हाउ? देखो पूछ भी लिया तुमने। प्राची को पुलिस पकड़ के ले गई, मैं प्राची के पीछे गया? नहीं, मैं किसके पीछे आया? तुम्हारे पीछे। इसका क्या मतलब हो गया है? समझ रही हो बात को? अब देखो जब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं तो तुम मेरी बात करो, टॉक अबाउट मी। प्राची की बात क्यों करती हो तुम? यार आई लव यू यार। जानू पापा वो प्राची को पसंद नहीं करती है और मेरे को भी मना कर दिया कि उसकी हेल्प ना करूं, वो मुझे पुलिस स्टेशन ही जाने दे रही है प्राची के पास, मैं क्या करूं यहां खड़े खड़े? ओए चिल कर यार, वो वहां पे गरम बैठी है, तू वहां पे एकदम चिल कर ना। चिल करूं? वहां एक लड़की, इनोसेंट लड़की जेल के अंदर बैठी है और आप मुझे बोल रहे चिल करूं? मुझे पता है बेटा, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, मैं प्राची की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, और आप जानते होते ना आप मुझे चिल करने के लिए नहीं बोलते। पापा आज तक उस लड़की ने आपको एक मौका दिया है कभी शिकायत का? एक। वो आपके साथ ऑफिस में काम करती आ रही है फर्स्ट डे से लास्ट डे तक, आज तक शी इज नेवर गिवन यू। अरे बस करना बेटा यार, आई नो इट वेरी वेल बेटा, मैं जानता हूँ वो लड़की चोरी नहीं कर सकती। टेढ़े रास्ते से जा, विंडो से जंप कर, छलांग मार, भाग जा। गुड आइडिया। आप पल्लवी आंटी से डरते हो ना? नहीं नहीं, मैं कहाँ डरता हूँ बे? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये प्राची से जल्दी मिले, उसमें वक्त जाया ना करे। जल्दी मिले, जल्दी मिले। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। जा 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 भाई, ऐसे क्या, जल्दी जा, जल्दी जंप कर, जंप कर। यस अबे ऐसे क्या देख रहे मुझे? नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ, अभी कैसे डरते हो पल्लवी आंटी से?
डरते हो ना? यानी विक्रम आज तक बेताल से नहीं डरा, पल्लवी आंटी से क्या डरेगा? उल्टा वो मुझसे डरती है। अच्छा? रणबीर, भरोसा टूट जाएगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपके सच बोलने से ना सब ठीक हो जाएगा। प्लीज भैया, प्लीज सच बोल दीजिए। संतोष भैया बोल रही है यार। तो अरे राखी बनवाएगा? देखिए आपके सच बोलने से ना कई जिंदगियां टूटने से बिखरने से बच जाएंगी। एक बार सच बोलिए भैया मेरे लिए, प्लीज भैया प्लीज। अरे यार इसका रोना तो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा है। तो है यार, मन तो कर रहा है भाई कि आलिया मैडम का सच पुलिस को बता ही दे। अबे नहीं 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 नहीं, आलिया मैडम का नाम नहीं बताना। अगर तुमने उसका नाम बता दिया तो वो मेरा नाम बता देगी और मैं अंदर। बेवकूफो, मुंह में पान दबा के बैठो या मुंह में अपनी जान दबा के बैठो, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलोगे तुम दोनों। एकदम चुप रहो, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। हाँ 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 बॉस, हमें यहाँ से जल्दी निकालो वरना ये सच ना ज्यादा देर तक हम दबा नहीं पाएंगे हम। अबे तू धमकी दे रहा है मुझे? नहीं 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 भाई, आपको नहीं, आपको नहीं। ये धमकी तो आपके आलिया मैडम के लिए था। बता दीजिएगा हमें यहाँ से जल्दी निकाले। सवाल किसी से भी किया, जवाब तो एक ही मिलना है, और वो तुमसे नाराज है ना, इसलिए उसके बदले मैंने जवाब दे दिया। मुझसे क्यों नाराज है वो? रणबीर मैंने क्या किया? मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है कि वो माया के केस में अब प्राची ने रणबीर की हेल्प की थी, तो क्या पता शायद अपना बेटा भी उसे यू नो रेसिप्रोकेट करना चाहता हो, हेल्प करना चाहता हो। प्राची ने हेल्प किया तो क्या हुआ? देखिए अगर प्राची सही है तो मैं उसे सही कहूंगी, लेकिन अगर वो गलत है तो मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगी, समझे आप? और रणबीर तू भी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर प्राची गलत है तो मैं उसे गलत कहूंगी। अब रणबीर इस बात के लिए तू मुझसे नाराज नहीं हो सकता। एक सेकंड, एक अब टाइम मार्ट लगाओगे ना होश ठिकाने रह जाएंगे तुम लोगों का। क्या किसको मार रही है? अरे धमकी दे रही है ये। धमकी दे रही है ना, मार तो नहीं डाला तुझे। बैठ मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, क्या हो रहा है इधर? सॉरी 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 बोल रही है, सॉरी। बैठ इधर शाना। शाना तो क्या करी, बात बढ़ जाएगी। मैं बात बढ़ा रही, इनकी शक्ल देखो, दोनों चोर कहेंगे, खुद चोर हो तुम लोग। घर तू घर चली जा। तो अकेली? मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे सब। प्राची यहाँ तुम साइन करो, चलो। तू घर जा, तू घर जा। तुम दोनों को क्या देख रहे हो? एक बहन देवी है और दूसरी उलन देवी। प्राची पर तो बहुत तरस आ रहा था मुझे, पर इस पर बहुत एंग्री फील कर रहे हो। अगर पुलिस स्टेशन ना होता ना और बाहर होती कहीं, बताते इसको। अरे हाँ यार, ये मारी तो बहुत जोर से लग गई। खैर छोड़, जाने दे, जा। जाने दे, इज्जत का फलूदा निकाल दिया हमारा। बाहर मारती तो ज्यादा फलूदा बनता ना। समझता नहीं। ठीक कह रहे, भाई से बात हुई तेरी? कब तक निकालेंगे वो? हाँ यार बात तो हुई भाई से, वो बोले कि कुछ करता हूँ मैं। अगर अगर नहीं किया तो? वो नहीं, आलिया मैडम निकालेगी, और वो ये नहीं चाहेंगे कि इस खेल में उनका गेम हो जाए। तो टेंशन मत ले भाई, मैं हूँ ना। हाँ समझ गया, तुम अपना प्लॉट संभालो, मैं अपना प्लॉट संभालूंगा। अरे बावली हो रही तू। और मैं क्या आंटी जी? तो आप वो लॉयर लेकर के कब पहुंच रही है? लॉयर हो जाएगा। वेरी गुड। और वो 20%? अरे वो भी मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारे 20% कमीशन ना मैं खुद आके दे दूंगी। ऑलराइट? अरे नहीं 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 नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, ये शुभ काम आप रिया के हाथों से ही करवा देना। वो क्या है ना कि आपकी और मेरी कुंडली ना मैच नहीं करती है। ठीक है, रिया को भेज दूंगी। 2 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंचूंगा, आप लॉयर अरेंज कर लो। है ऑलराइट, बाय बाय।